हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डोनट बनाने जा रही हूँ। तो डोनट बनाने के लिए ये मैं दूध को गर्म कर दी हूँ। दूध को गर्म करके इसमें हम ये ईस्ट को डाल देंगे ताकि हमारा ईस्ट अच्छे से फॉर्मेट हो जाए। उसमें इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, हम बनाते हैं डोनट। ये मैं आपके सामने है, मैं हाफ के जी मैदा ली हूँ और मैं बटर ली हूँ। ये मुझे लगता है कि 3 टेबल स्पून बटर है बड़े टेबल स्पून से। ये शुगर पाउडर है, ये टूटी फूटी है, और ये हमारा जो मैं 10 मिनट पहले ईस्ट को इसमें डाल दी थी गर्म दूध में, वो हमारा बिल्कुल फॉर्मेट हो चुका है। ये देखिए मिल चुका है। तो हम सबसे पहले इस मैदे को इसमें हम डाल देंगे। तो ये हमारा आधा केजी से भी कम मैदा है, तो हम इसमें शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालेंगे। इसमें हम बीस ग्राम हम शुगर इसमें हम ऐड किए और हम ये बटर ऐड कर दी हूँ इसमें। और ये हमारा टूटी फूटी है, जो मैं टूटी फूटी इसमें ऐड करूँगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर को हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे पहले। अब हम एकदम सॉफ्ट डो बनाएंगे इसका। अब हम ये जो ईस्ट को किए हैं वो हम धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे। जैसे हम आटा लगाते हैं वैसे ही हम इसका, लेकिन सॉफ्ट थोड़ा आटा लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम सॉफ्ट आटा हुआ है हमारा, बिल्कुल रेडी है ये हमारा डोनट के लिए आटा। ये देखिए, इस तरह ही हम सॉफ्ट करेंगे। अब हम इसे थोड़े देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे और उसके बाद हम डोनट्स फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इतना बड़ा गोला ले लिए हैं। जितना मोटा करने से ये और बड़ा होगा, तो हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। 10 मिनट तक मैं इसे गूंथ कर छोड़ दी थी। बहुत अच्छे से हो गया है हमारा आटा। अगर चॉकलेट नहीं भी है तो आप ये टूटी फूटी डाल के भी डोनट बच्चों को बना के दे सकते हैं। टूटी फूटी तो सभी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं इतना पतला बेल ली हूँ क्योंकि ये तेल में डाल जाने के बाद और ज़्यादा फूलेगा, तो मैं इतना पतला कर दी हूँ इसको। अब मैं इसको ये कटोरी ली हूँ। इस कटोरी में मैं आटे को सूखे मैदे को मैं लगा दी हूँ, और सूखे मैदे को लगा कर मैं इसे ऐसे कट कर दी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं ये कटोरी ली हूँ और इस कटोरी की सहायता से इसको मैं आटे मैदे में इसको मिला दूंगी और इसे ऐसे कट कर देंगे। ये देखिए, अब मैं ये एक छोटा सा ढक्कन ली हूँ, इसको मैं ऐसे आटे में इसको हम सूखा कर देंगे और हम इसको बीच से ऐसे कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स,
अब इसे हम एक एक करके प्लेट में रख लेंगे। हमारा बिल्कुल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे डोनट को। एकदम फुले फुले डोनट्स बिल्कुल रेडी है हमारे, ये देखिए कितने सुंदर फुले हुए हैं। फ्रेंड्स अब मैं थोड़ा डोनट हमारा गर्म रहे तभी हम इसे चॉकलेट में डिप करेंगे। अब हम इसके ऊपर ये जेम्स का ये मैं चीनी का ये भी डाल देती हूँ इसके ऊपर। ये चीनी का बुरादा है, अच्छा हमारा डोनट रेडी हुआ है। ये देखिए अंदर से भी कितना अच्छा है, आप लीजिए इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।